एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर बोली बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज से माफी मांगे बीजेपी और आरएसएस, क्योंकि बहुजन समाज के जब प्रेरणा स्रोत महान पुरुषों की फोटो मूर्तियां जब बहुजन समाज ने लगाई थी तो उसके ऊपर देश विदेश से क्रिया प्रतिक्रिया और मीडिया ने आवाज उठाई थी, लेकिन आज जब सरदार पटेल की मूर्ति को लगाया जा रहा है तो बहुजन समाज की पार्टी के सुप्रीम मायावती ने कहा कि पटेल विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के पोषक थे, लेकिन उनकी प्रतिमा पर विदेशी निर्माण की छाप उनके समर्थकों को हमेशा सताती रहेगी, क्योंकि यह मूर्ति चाइना से बनवाई गई है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही मायावती ने गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की पटेल प्रतिमा को लेकर बीजेपी आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि लगभग 3,000 करोड़ की लागत से बनी मूर्ति का अनावरण करने के बाद बीजेपी और आरएसएस एंड कंपनी को बहुजन समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिनके महान पुरुषों के सम्मान में यूपी की बसपा सरकार द्वारा लखनऊ व नोएडा के भव्य स्थलों, स्मारकों और पार्कों का निर्माण कराया था, जिससे ये ही लोग फिजूल खर्ची बताकर उसकी जबरदस्ती आलोचना करते थे। मायावती ने कहा कि सरदार पटेल बोल चाल रहन सहन में पूरी तरह भारतीय संस्कृति की मिसाल थे, लेकिन भव्य प्रतिमा का नामकरण हिंदी व भारतीय संस्कृति की नजदीकी होने की बजाय स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। ये अंग्रेजी नाम रखना कितनी राजनीति है, कितनी श्रद्धा है, ये देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। मायावती ने कहा कि पटेल विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति व सभ्यता के पोषक थे, लेकिन उनकी प्रतिमा पर विदेशी निर्माण की छाप उनके समर्थकों को हमेशा सताती रहेगी। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल भीमराव अम्बेडकर की तरह एक राष्ट्रीय व्यक्ति थे, उनका सम्मान भी था, लेकिन बीजेपी व केंद्र सरकार ने उन्हें क्षेत्रवाद की संकीर्णता में बांध दिया है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। बहुजन समाज की सभी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बहुजन समाज के न्यूज चैनल्स को मजबूत करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।